प्रदेश में जिसका नाम क्या है? उज्जैन। उज्जैन। तो अब ये बताइएगा कि जो उज्जैन शहर है, इस उज्जैन शहर के संदर्भ में हम क्या जानते हैं? अगर से मैं आपसे पूछूं कि सर उज्जैन के फैक्ट बताइए, तो कितने लोग बता देंगे उज्जैन के फैक्ट? हाथ खड़े करें। उज्जैन के अगर से मैं फैक्ट पूछूंगी उज्जैन के बारे में, कितना आपको पता है? नहीं बता पाओगे। वेरी गुड, ठीक है। अब यहां पर देखो, जस्ट इमेजिनेशन उज्जैन के संदर्भ में ज्यादा नहीं, सिर्फ एक फैक्ट जो कि कॉमन है, हर किसी को मालूम होना ही चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। तो उज्जैन को हम किसकी नगरी कहते हैं? जोर से बोलो। तो उज्जैन को हम किसकी नगरी कहते हैं? महाकाल की नगरी कहते हैं। महाकाल। तो उज्जैन जो है बेटा, किसकी नगरी है? महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी, ठीक है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूं उज्जैन से हटकर। हम देखते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कितना जानते हैं? यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने महाकवि कालिदास का नाम सुना है? यस सर। किसने नहीं सुना? सभी लोगों ने सुना। ईमानदारी से बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो महाकवि कालिदास के बारे में बिल्कुल नहीं जानते? सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं सुना है। ये बताओ, महाकवि कालिदास जो हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ईमानदारी से बताओ, पता है? हाँ या ना? नहीं पता। आपका क्या नाम? निलेश। निलेश कहता है कि महाकवि कालिदास का जन्म कहां हुआ था, इसे नहीं पता। ऐसे कितने लोग हैं बेटा, अपनी गलतियों को बिल्कुल न छिपाए। वेरी गुड, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। ऐसे जितने बच्चे हैं, ये अनुभव अकेडमी है, तुम्हारे साथ संतोष सर। इतने बच्चों को ऐसा लगता है, इतने बच्चों को ऐसा लगता है कि इनको महाकवि कालिदास का जन्म पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपको ये भी पता होगा। तो ये जो बच्चे खड़े हैं, इन्हें ये लग रहा है कि हमें महाकवि कालिदास का जन्म पता नहीं है। अब ऐसे बच्चे बिल्कुल बैठ जाएं जिनको महाकाल की नगरी उज्जैन पता है, जिनको पता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन कहते सारे। अरे वेरी गुड, मतलब महाकाल की नगरी उज्जैन को कहते हैं, ये सबको पता है, लेकिन महाकवि कालिदास का जन्म कहां पर हुआ ये पता नहीं है। तो बेटा इस महाकाल में आज तक आपने कुछ देखने की कोशिश ही नहीं किया। अब आपको अगर से महाकाल की नगरी पता है ना, तो सभी लोग यहां पे ध्यान दे, इस महाकाल में ही अब आपको नजर आएंगे। तो इस महाकाल को अगर से मैं संधि विच्छेद कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो महाधन काल बनेगा, और इस महा में मैंने जोड़ दिया कवि, तो बन गया महाकवि। महाकवि और काल से अब हमारे दिमाग में क्या आएगा? काल से कालिदास ही आएगा, दूजा तो ना आएगा। तो यहां पर बन गया कौन? कालिदास। तो बेटा इसके पहले अगर से आप महाकाल में ही अगर से ऐसा इमेज कर लेते कि यार महाकाल में ही महाकवि कौन है? कालिदास है। बताओ, ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी? सर। तो महाकाल जब जब अब देखोगे, तब तब आपको कौन याद आएगा? महाकवि कालिदास याद आएगा। तो अब नहीं भी पता तो याद रखिएगा, महाकवि कालिदास का जन्म कहां का है? कहां का है? अरे महाकाल कहां पर है? इसी महाकाल में हमने किसको देखा? महाकवि कालिदास को देखा। तो महाकवि कालिदास का जन्म कहां का है? तो महाकवि कालिदास की समाधि कहां है? तो कालिदास अकादमी कहां है? तो कालिदास समारोह कहां है? तो कालिया का पैलेस कहां है? तो गढ़काली का मंदिर कहां है? तो काल से काल भैरव का मंदिर कहां है? उज्जैन में। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ एक महाकाल,
और आप कह रहे थे कि उज्जैन का वो फैक्ट पता नहीं है। अब देखो कि हमने किस प्रकार से लिंक किया है। तो महाकाल की नगरी किसको कहते हैं? उज्जैन को। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा कि नहीं होगा? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग होगा, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण की ज्योतिर्लिंग है। अभी उसका भी हम डायग्राम बनाएंगे। इसी महाकाल में हमने किसको देखा? महाकवि कालिदास को देखा। तो महाकवि कालिदास का जन्म कहां था? उज्जैन का। तो इनकी समाधि कहां होगी? तो कालिदास अकादमी कहां होगी? उज्जैन। तो कालिदास समारोह कहां होगा? उज्जैन। तो कालियादा पैलेस कहां होगा? उज्जैन। तो काल भैरव का मंदिर कहां होगा? उज्जैन। तो गढ़ काली का मंदिर कहां होगा? उज्जैन। बताओ कितने फैक्ट याद हो गए बेटा? 9। यस सर। नो सर। एनी डाउट? नो सर। कंटेस्ट हो गया ना? यस सर। अब मेरी बात सुनिएगा, कालिदास कौन थे? महाकवि थे, मतलब विद्वान थे ना? विद्वान थे। और नियम है कि जब एक विद्वान आता है तो उसके पीछे पीछे दूसरे भी विद्वान आते हैं, और जब एक विद्वान आता है तो उसके पीछे पीछे दूसरे विद्वान आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ या ना? बालाघाट में पहले कोई कोचिंग का नाम नहीं था, लेकिन बालाघाट में एक कोचिंग आई, उसको देखकर दूसरी आई, उसको देखकर तीसरी, चौथी, पांचवी, और आज देखोगे तो कोचिंग ही कोचिंग। बताओ एक के पीछे दूसरा आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्या पहले इतना ज्यादा शहरीकरण था? नहीं था। लेकिन गांव से व्यक्ति निकल कर आया शहर में, एक आया, उसके पीछे दूसरा, तीसरा, मतलब समझ में आ गया क्या? तो जब यहां पर कालिदास आया, कालिदास कौन थे? विद्वान थे। तो एक विद्वान आया तो उसके पीछे पीछे दूसरे भी विद्वान। तो ये बताओ कि प्राचीन काल में विद्वान होते कौन थे? पंडित नहीं, ऋषि मुनि। आप पंडित नहीं कह सकते, आप क्या कहेंगे? ऋषि मुनि। इमेजिनेशन सही होना चाहिए। आपने भैया पहले जितने भी आश्रम देखे तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जैसे आज विद्यालय है, पहले गुरुकुल हुआ करते थे और आश्रम में शिक्षा दीक्षा होती थी। कहां होती थी? आश्रम में। तो अब बताओ कि यहां पर आश्रम में कौन? ऋषि मुनिवर। यस आर नो? तो ऋषि शब्द आया और आपने लगाया क्या? उज्जैन कीवर्ड। तो महर्षि सांदीपनि का आश्रम कहां होगा? उज्जैन। बस हमको महर्षि पकड़ना है। महर्षि देखा और कहां लगाया? उज्जैन। तो महर्षि सांदीपनि का आश्रम कहां होगा? उज्जैन। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां होगा? उज्जैन में। तो वराहवीर की वेधशाला कहां होगी? तो जंतर मंतर वेधशाला कहां होगी? तो भर्तृहरि की गुफाएं कहां होगी? उज्जैन। अब यहां पे सुनिएगा, जब सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, तो विद्वान है तो, अरे बोलो, जब विद्वान है तो मूर्ख है, मूर्ख भी होंगे कि नहीं होंगे? तो मूर्ख। तो टेपा मूर्ख समारोह, टेपा मूर्ख समारोह या ओनली फॉर मूर्ख समारोह कहां पर आयोजित होता है? उज्जैन। उज्जैन कहां पर? उज्जैन। याद करो, जहां अमीर लोग होंगे वहां गरीब नहीं होगा बेटा। अरे जहां अमीर होंगे तो अमीरों के घर में डाका कौन डालेगा? चोर होंगे ना। तो चोरक परियोजना हमने कहां देखा था? अमीर लोग कहां पर है? इंदौर में। लिंक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ या ना? ठीक है। तो इतनी